को जय श्री कृष्णा। आज आपको मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ जिनके उत्तर भी दूंगी, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। रात को आकाश में या आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? पहला प्रश्न है कि रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है, तो उत्तर है तारे, चंद्रमा। रात को आसमान में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या दिन में तारे दिखाई देते हैं? आप सबको पता है, आपने देखा है कि दिन में तारे दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न तीसरा है, दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? रात को तारे दिखाई देते हैं तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो दिन में सूर्य का प्रकाश होने के कारण, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो तारे दिखाई नहीं देते हैं। चौथा प्रश्न, सूर्य जब उदय होता है तब क्या क्या होता है? जब सूर्य उगता है तब क्या क्या होता है, इसका वर्णन हम आज है समय सुबह का पाठ इसमें करेंगे। तो आज हम कक्षा तीसरी का चौथा पाठ है समय सुबह का। यह एक कविता है जिसका पहले वाचन करेंगे, इसको कैसे गाया जाता है उसके बाद में मैं आपको अर्थ भी समझाऊं। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन में का, नहीं अंधेरा नहीं धुनल का, आई सुबह लिए उजाली, आसमान रंग गया सुनाला, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती, किरणें आ उतरी हैं भू पर, औषकणों को चुगा उन्होंने, सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू कूची ची आवाज, गूंज उठी कानों में भाई, बाग बगीचे अमराई में, कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली, उन कर भवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगी पंखों वाली, कई तितलियां उड़ उड़ आई, छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुँह हाथ आवधो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। अभी जो आपको मैंने कविता सुनाई है इसका अर्थ समझा रही हूँ, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन माह का, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनाला, फैल गई पूरब में लाली। सुबह के समय के दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उठो जागो सुबह हो गई है, कवि कहते हैं कि अब उठ जाओ सुबह हो गई है, बाग बगीचे घर आंगन सब खुशबू से भर गए हैं, अब न तो अंधेरा है और न ही धुंधलापन है, अब सुबह का उजाला हो गया है, आसमान का रंग सुनहरा हो गया है और पूर्व दिशा में लाली फैल गई है, अर्थात पूर्व दिशा में आसमान लाल हो गया है। कवि कहते हैं कि सुबह का समय हो गया है, आप सब उठ जाओ और जो बगीचा वगैरह है उसमें सब फूल खिल गए हैं और सब फूलों की खुशबू आ रही है, अब न तो अंधेरा है और न धुंधलापन है, अब सुबह का उजाला हुआ है, आप सबको उठना है और आसमान का रंग है वो सुनला यानी सुनहरा हो गया है और पूरब में लाली फैल गई। जब सूर्य उगता है तो आप सब देखना कि पूर्व दिशा में लाल लाल तांबे जैसा कुछ दिखाई देता है कलर। ऊंची शाखाओं को छूती, किरणें आ उतरी हैं भू पर, औषकणों को चुगा उन्होंने, सभी जगह से एक एक कर, भू भू यानी धरती पृथ्वी होता है। कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों को छूकर सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हैं। जब सूर्य भगवान
उगते हैं तो उनकी किरणें जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनको छूती है और फिर जमीन पर आती है, और उन्होंने सुबह की ओस की बूंदों को सब जगह से एक एक करके चुग लिया है, अर्थात सूखा कर दिया है। जब सुबह सुबह रात्रि को जब कोई भी फूल है उनपे ओस की बूंद जम जाती है और जैसे ही उजाला होता है, सूर्य का प्रकाश उन फूलों पर पड़ता है तो पूरे सूख जाते और ओस कणों को सूर्य भगवान चुग लेते हैं। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा नहीं चांदनी रही, यहाँ अब सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। फीका पड़ना यानी चमक कम होना, जब रात्रि को चंद्रमा है तारे हैं वो होते हैं और सुबह के समय उनका वो तारे तो चले जाते हैं और चंद्रमा एकदम उनका चमक है वो फीकी पड़ जाती है। कवि कहता है कि अब चांद का मुखड़ा भी फीका पड़ गया है, अर्थात चांद की चमक कम हो गई है, अब चांदनी भी गायब हो गई है और जो सारी रात तारे चमकते हैं वो भी न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। चंद्रमा का जो चंद्रमा थोड़ा दिखाई देता है कम कम, लेकिन तारे बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। मुर्गों ने उठ बाग लगाई, चक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू को ची ची आवाजे गूंज उठी कानों में भाई। बांग लगाना, आप सबको पता है जब सुबह का समय होने वाला होता है तो मुर्गे बोलते हैं, मुर्गे बोलते हैं, मुर्गों की आवाज आती है तो सबको पता चलता है कि अभी सवेरा होने वाला है। और गूंज उठना, गूंज उठी कानों में भाई, सब तरफ से आवाज आना, कोई चिड़िया बोलती है, कोई मोर बोलते हैं, कोई बोलते है, सब जगह आवाज आती है कि सुबह का समय हो गया है। कवि कहता है कि सुबह का समय होने पर मुर्गों ने कुकड़ू को बोलना शुरू कर दिया है और बांग लगा दी, यानी मुर्गों ने बोलना शुरू कर दिया है, चिड़िया का महन भी चक उठा है और सब तरफ से उनकी ची ची की आवाज कानों में गूंजती है। जब मुर्गे भी बोलते हैं सुबह सुबह और चिड़िया की भी आवाज कानों में चू चू ची ची सुनाई देती है। बाग बगीचो अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। अमराई, अमराई क्या होता है, बहुत से आम के पेड़ों का स्थान, जहाँ बहुत से आम के पेड़ होते हैं साथ में उनको अमराई कहते हैं। और कूकना, और आपको पता ही है कोयल का बोलना उसको कूकना कहते हैं। और फूली नहीं समाना, फूला नहीं समाना ये एक मुहावरा यानी बहुत खुश होना। सुबह का समय होते ही आम के पेड़ों से कोयल के कूकने की मधुर आवाज आने लगती है। जब बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं वहां पर बहुत सारी कोयल होती है और वो बोलती है तो उनकी मधुर आवाज आने लगती है। पेड़ की डालियों पर बहुत सारे फूल खिल गए हैं जिससे पेड़ की डालियां बहुत सुंदर लग रही है, मानो वे खुश हो गई है। जितने भी पेड़ हैं उनकी डालियां भी खुश हो रही है और सुंदर लग रही है। गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ाई। मंडराना, मंडराना जैसे भौरे होते हैं वो फूल की खुशबू लेते हैं और उनके ऊपर बैठते हैं और सुगंध लेके वापस उठते हैं, उनको मंडराना कहते हैं। कलियां, कलियां जिसमें फूल खिलते हैं, आपको पता है कली पहले खिलती फिर फूल बड़े होते हैं। और अंगड़ाई यानी अकड़ना, शरीर का तनने का भाव यानी अकड़ने का भाव। कवि कहता है कि सुबह के समय होते ही फूलों की कलियों पर भौरे मंडराने लगते हैं। आपने भी देखे होंगे फूलों की कलियां होती है उनके ऊपर भौरे बैठते हैं, उनकी खुशबू लेते हैं और कलियां तन कर अंगड़ाई लेने लगी है, अर्थात खिलने लगी है और कलियां भी खिलने लगी है सुबह के समय। इन फूलों पर कई रंग बिरंगी तितलियां उड़ उड़ कर आने लगी। सुबह के समय होता है तो भंवरा होता है फूल की कलियों पर बैठता है, फूल भी ऐसे खिलने के लिए तन्ने होते हैं और रंग बिरंगी तितलियां भी उन फूलों का रस चूसने के लिए आ जाती है। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब आलस छोड़ो, आंखें खोलो दांत मलो मुंह हाथ पाव दो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का जागो आया समय सुबह का। बिछोना, बिछोना आपको पता ही है बिस्तर को बोलते हैं, आलस यानी आलस्य, दांत मलना यानी दांतों को साफ करना और आंखें खोलो यानी अभी जाग जाओ। कवि कहता है कि अब बिस्तर छोड़ो और उठ जाओ। चिड़िया भी बोलने लगी है, कोयल भी बोलने लगी है, कली है फूले सब खिल गए हैं, तो आपको कह रहे हैं कि अब बिस्तर छोड़ो और उठ जाओ, आलस्य छोड़कर अपनी आंखों को खोलो अर्थात बिस्तर में से उठ जाओ, अभी सब उठ गए हैं तो आपको भी उठना है।
आलस से छोड़कर अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ, अपने दांत साफ करो। जब उठते हो तो आप ब्रश करते हो तो अपने दांतों को साफ करो और मुंह हाथ पांव धोकर साफ सुथरे हो जाओ। पहले तो अपनी आंखें खोलो, आंखें को धो लो, फिर ब्रश करना यानी दातुन करना, हाथ पैर धोना और साफ सुथरे हो जाओ, फिर स्नान भी कर लो। अब हल्का हल्का उजाला होने लगा है, इसलिए अब जागो क्योंकि अब सुबह हो गई है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सुबह के समय का वर्णन किया है कि सुबह आपको भी जल्दी उठना चाहिए। सूर्य जल्दी उठते हैं तो आपको भी जल्दी उठना है। सूर्य उदय से आपको पूर्व उठना चाहिए। सभी जो पक्षी वगैरह है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फूलों की कलियां भी खिल जाती है, तो आपको भी जल्दी उठना चाहिए। धन्यवाद।